In chapter 1, the definition of a new object curve differential form mapping was usually followed by an appropriate notion of derivative of that object. यानी हमने जो ये डेफिनेशन सारी पढ़ी है ना फर्स्ट चैप्टर में, कर्व हो गई, वन फॉर्म हो गई, डिफरेंशियल फॉर्म हो गई, मैपिंग की, इसमें कुछ डेरिवेटिव किसी ऑब्जेक्ट का हम कोई ना कोई डेरिवेटिव लेके तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस कर रही होती हैं किसी ना किसी फॉर्म में. टू सी हाउ टू डिफाइन द डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फील्ड ऑन अ यूक्लिडियन स्पेस, के हम कैसे अब डिफाइन करते हैं किसी वेक्टर फील्ड पे डेरिवेटिव. अब वेक्टर फील्ड क्या है जी, हमने क्या डिफाइन की थी कि वेक्टर फील्ड क्या होती है कि सपोज अगर हम यूक्लिडियन स्पेस लेते हैं यानी आर क्यूब लेते हैं तो वेक्टर फील्ड हम कैसे डिफाइन करेंगे कि आर क्यूब का एक पॉइंट लिया उस पे एक टेंजेंट वेक्टर बना लिया, फिर दूसरा पॉइंट लिया उस पे एक टेंजेंट वेक्टर बना लिया, फिर तीसरा पॉइंट लिया उस पे एक टेंजेंट वेक्टर बना लिया. तो जब हम ये टेंजेंट वेक्टर सारे पॉइंट्स पे बनाते जाएं तो इनको जब कंबाइन करें, कलेक्ट करें एक सेट में, तो वो हमारे पास एक वेक्टर फील्ड आ जाती है. अब उसका डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज यानी किस लिहाज से वो वेक्टर टेंजेंट वेक्टर चेंज हो रहे हैं, वी मिमिक द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव वी ऑफ एफ ऑफ अ फंक्शन एफ रिलेटिव टू अ टेंजेंट वेक्टर वी एट अ पॉइंट पी. यानी हम वही जो डेफिनेशन वी ऑफ एफ हमने क्या डिफाइन किया था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी फंक्शन एफ का, तो हम यही वही जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो इधर कॉपी करेंगे. उधर हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एफ रिलेटिव टू अ टेंजेंट वेक्टर वी एट द पॉइंट पी, ये हमने डिफाइन किया था. बाय डेफिनेशन हमने ये लिखा था जी के डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन आर क्यूब एंड लेट वी पी बी अ टेंजेंट वेक्टर टू आर क्यूब, के कोई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है आर क्यूब में और एक आर क्यूब का कोई पॉइंट है पी, उस पे जो टेंजेंट वेक्टर बनाया है वी पी, वो फिर वो जो वी पी हमने टेंजेंट वेक्टर बनाया था पी प्लस सी से, उसी को ही अगर हम उस टेंजेंट वेक्टर को जो पी पी से लेके वी तक था उसी लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो वो पूरी लाइन बन जाती है कौन सी, पी प्लस टी वी. और फिर हमने डिफाइन किया था वी पी ऑफ एफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ है विद रेस्पेक्ट टू द टेंजेंट वेक्टर वी पी, किस तरह के उस फंक्शन में वो पी प्लस टी वी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, यानी एक्स जहाँ पे आएगा उसमें पी वन प्लस टी वी वन पुट कर देंगे, जहाँ पे वाई आएगा वहाँ पे पी टू प्लस टी वी टू पुट कर देंगे, जहाँ पे जेड आएगा उधर पी थ्री प्लस टी वी थ्री पुट कर देंगे, फिर टी जीरो पुट करेंगे डेरिवेटिव लेके विद रेस्पेक्ट टू टी, फिर टी जीरो पुट करेंगे तो वो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा एफ का विद रेस्पेक्ट टू वी पी. इन फैक्ट इधर देखें, इन फैक्ट रिप्लेसिंग एफ बाई अ वेक्टर फील्ड डब्ल्यू ऑन आर क्यूब गिव्स अ वेक्टर फील्ड. तो इसी तरह एफ ये जो फंक्शन है ये तो एक डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं डब्ल्यू से ऑन द कर्व टी टू पी प्लस टी वी, यानी कि टी से ये जो बन रही है पी प्लस टी वी कर्व बन रही है, इस पे अगर एफ को डब्ल्यू से रिप्लेस कर देते हैं तो इसके हर पॉइंट के लिए हमारे पास एक टेंजेंट वेक्टर मिलता जाएगा, तो ये एक वेक्टर फील्ड बनती बन जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट पर पी प्लस टी वी वो जो कर्व का एक पॉइंट, ये जो पूरी लाइन बनती है पी प्लस टी वी उसका एक पॉइंट पुट करेंगे इसमें तो एक टेंजेंट वेक्टर हमें मिलेगा, दूसरा पॉइंट पुट करेंगे दूसरा टेंजेंट वेक्टर मिलेगा, तीसरा पुट करेंगे तीसरा टेंजेंट वेक्टर, इसी तरह पूरी लाइन के पॉइंट पुट करते जाएं तो वो हमें सारे टेंजेंट वेक्टर मिलते जाएंगे. द डेरिवेटिव ऑफ सच अ वेक्टर फील्ड वाज डिफाइंड इन सेक्शन टू. ऐसी वेक्टर फील्ड का हमने सेक्शन टू में डेरिवेटिव डिफाइन किया है, आपको याद होगा जब हमने वेक्टर फील्ड डिफाइन की थी कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई वन यू वन प्लस वाई टू यू टू प्लस वाई थ्री यू थ्री, तो जब उसका रेट ऑफ चेंज
हम फाइंड कर डिफाइन किया था, तो हमने कहा था कि ये जो वेक्टर फील्ड का रेट ऑफ चेंज है या डेरिवेटिव है, हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उसके जो यूक्लिडियन फंक्शंस है y1 y2 y3 उनके डेरिवेटिव ले ले, तो वो हमारे पास वेक्टर फील्ड का डेरिवेटिव आ जाता है। तो वही चीज़ इधर लिखी हुई है, द डेरिवेटिव ऑफ सच वेक्टर फील्ड वाज डिफाइंड इन सेक्शन 2। देन द डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू v विल बी द डेरिवेटिव ऑफ t टू wp प्लस टीवी। तो डेरिवेटिव जो w का आएगा विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट वेक्टर v, वो किस तरह आएगा, wp प्लस टीवी, यानी उस टेंजेंट वेक्टर में जब पॉइंट पुट करेंगे p प्लस टीवी और फिर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर t जीरो पुट करेंगे, तो वो हमारे पास इस वेक्टर फील्ड का डेरिवेटिव आ जाएगा। डेफिनेशन देखनी, लेट w बी अ वेक्टर फील्ड ऑन r क्यूब एंड लेट v बी अ टेंजेंट वेक्टर फील्ड टू r क्यूब एट द पॉइंट p। के हमारे पास कोई w एक वेक्टर फील्ड है, आर्बिट्रेरी वेक्टर फील्ड है, यानी कि पॉइंट p एक लिया r क्यूब का, फिर टेंजेंट वेक्टर बनाया, दूसरा लिया उस पे टेंजेंट वेक्टर बनाया, तो v एक टेंजेंट वेक्टर है कहाँ पे, पॉइंट p पे। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू v इज द टेंजेंट वेक्टर, जो इस वेक्टर फील्ड का कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू v, वो एक टेंजेंट वेक्टर होगा। और वो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि उस w में p प्लस टी वी पुट करेंगे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव उसका ले के फिर जीरो पुट करेंगे टी की जगह पे, तो हमारे पास वो आ जाएगा कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट वेक्टर v। एविडेंटली कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू v मेजर्स द इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ wp एज p मूव्स इन v डायरेक्शन। जिस तरह हमने उधर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डिफाइन किया था कि vp ऑफ f क्या है, यानी मेजर द इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन f एज p मूव्स इन v डायरेक्शन, इसी तरह यहाँ पे कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू v क्या है, कि इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ द w एज p मूव्स इन v डायरेक्शन, के किस तरह वो वेक्टर फील्ड चेंज हो रही है। अब एग्जांपल देखें, ये कैसे हम डेफिनेशन में कैलकुलेट करते हैं। सपोज w हमारे पास ये वेक्टर फील्ड है और v ये पॉइंट है, p हमारे पास ये है 210। पहले हमने फाइंड कर लिया p प्लस टी वी, हमारे पास ये आ गई, ये हमारे पास अब लाइन पूरी t की वैल्यू चेंज करते जाए, डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाते हैं उस लाइन के। फिर हमने ये जो हमारे पास है p प्लस टी वी पॉइंट, या पूरी लाइन के जो पॉइंट्स हैं, ये हम इधर पुट कर देंगे w में। तो w किसका फंक्शन है, पहले x y z का, फिर उसके बाद जब w p प्लस टी वी पुट करेंगे तो x की जगह पे इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट p 1 प्लस टी वी 1 पुट करेंगे, y की जगह पे इसका सेकंड कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, z की जगह पे थर्ड कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 माइनस टी होल स्क्वायर यू 1 प्लस 2 टी यू 3। उसके बाद जब हम इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेंगे w का विद रेस्पेक्ट टू v, तो वो क्या आ जाएगा जी, w टी वी प्राइम डेरिवेटिव जब लेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है 2 इंटू 2 माइनस टी और फिर माइनस 1, फिर इसका प्लस 2, इसी तरह फिर उसमें टी जीरो पुट करेंगे, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 4 यू 1 पी प्लस 2 यू 3 पी। ये पी क्या डिनोट कर रहा है कि हमारे पास जो टेंजेंट यू 1 पी है, यानी ये जो यूनिट हमारे पास, ये जो यूनिट वेक्टर है पी पॉइंट पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यू 3 ऑफ पी यानी पी पॉइंट पे जो यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग जेड एक्सिस, यानी इसका ये जो हमारे पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव है w विद रेस्पेक्ट टू v, ये हमारे पास ये एक टेंजेंट वेक्टर बनेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे पी पॉइंट में, ये एक टेंजेंट वेक्टर बन रहा होगा माइनस 4 और 0 और 2, इसके ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। वो जो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर आएगा वो हमारे पास आएगा क्या, इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू v, यानी जब एज p मूव्स इन v डायरेक्शन, यानी p जब v की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, जो इनिशियल रेट ऑफ चेंज है उसका, वो ये टेंजेंट वेक्टर दे रहा है। If w is equal to summation wi ui is a vector field on R cube and v is a tangent vector at p, then
कोवेरियंट वेक्टर ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू वी इज इक्वल टू वी ऑफ डब्ल्यू आई यू आई पी। इससे पहले जो हमने पढ़ा है कोवेरियंट डेरिवेटिव की वो डेफिनेशन पढ़ी है कि बाय डेफिनेशन कोवेरियंट डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा कि डब्ल्यू में पी प्लस टी वी पुट करेंगे, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसमें टी जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास कोवेरियंट डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये एक रिजल्ट है कि हम अगर पी वी उस तरह वो सारा बाई डेफिनेशन ना करें तो ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि हम किस तरह उसका डेरिवेटिव या कोवेरियंट डेरिवेटिव किस तरह फाइंड कर सकते हैं उस डेफिनेशन के बगैर भी। ये क्या है जी, कोवेरियंट डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू वी इसके इक्वल है वी ऑफ डब्ल्यू आई यू आई पी और वी ऑफ डब्ल्यू आई। अब डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री जहाँ पे क्या है वो रियल वैल्यूड फंक्शन हैं। अब देखें यहाँ पे ये डब्ल्यू वन है हमारे पास W2, ये जो W है W1 ये है, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि ये एक रियल नंबर देगा। इसी तरह W2 यहाँ पे जीरो है, W3 ये हमारे पास ये भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो जब रियल वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू V तो वो ये वही चीज़ आ जाएगी जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। दूसरे लफ्जों में ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास को वैक्टर फील्ड है डब्ल्यू टेंजेंट वेक्टर फील्ड तो उसका जो कोवेरियंट डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट वेक्टर वी एट द पॉइंट पी वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर ले विद रेस्पेक्ट टू वी और फिर उनका लीनियर कम्बिनेशन ले लें तो वो हमारे पास कोवेरियंट डेरिवेटिव आ जाता है डब्ल्यू का विद रेस्पेक्ट टू वी। देखिए जी वी हैव डब्ल्यू बाय डेफिनेशन डब्ल्यू पी प्लस टी वी किसके इक्वल आएगा डब्ल्यू आई पी प्लस टी वी यू आई पी प्लस टी वी यानी इसका लीनियर कम्बिनेशन डब्ल्यू का डब्ल्यू वन यू वन प्लस डब्ल्यू टू यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री यू थ्री होगा तो इसके इक्वल आ जाएगा फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ डब्ल्यू टू द कर्व दिस यानी डब्ल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दे। वैसे तो W कोई भी हो सकता है कि स्पेस का कोई भी पॉइंट ले ले, लेकिन अगर हम W को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि हमने स्पेस के वो पॉइंट लेने हैं जो सिर्फ इस लाइन पे है तो उस पे जो वेक्टर फील्ड बनेगी वो ये वेक्टर फील्ड बनेगी टू डिफरेंशिएट सच अ वेक्टर फील्ड वन सिंपली डिफरेंशिएट्स यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स। इस वेक्टर फील्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि इसके जो यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स हैं ये W1, W2, W3 इनको सिंपली हम डिफरेंशिएट कर देंगे। बट बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव दो जो डेरिवेटिव के वो जो जब डिफरेंशिएट करेंगे T0 पट करेंगे तो वो डेफिनेशन बन जाएगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू आई पी प्लस टी वी एट टी इक्वल टू जीरो इज प्रिसाइजली वो किसके इक्वल हो जाएगा v ऑफ जिस तरह उधर f लिखते थे इधर v ऑफ w i हो जाएगा। तो फिर इस तरह कोवेरियंट डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू v किसके इक्वल आ जाएगा बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल है। तो ये हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास है डब्ल्यू पी प्लस टी वी वो इसके इक्वल है। तो जब इसके इक्वल है तो जो इसका जो डेरिवेटिव होगा t इज इक्वल टू जीरो पे वो किसके इक्वल आ जाएगा v ऑफ w i के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन v ऑफ w i यू आई पी। इन शॉर्ट टू अप्लाई कोवेरियंट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वी टू अ वेक्टर फील्ड अप्लाई वी टू इट्स यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स यानी इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि किसी वेक्टर फील्ड पे का कोवेरियंट डेरिवेटिव जब फाइंड करना हो विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट वेक्टर वी तो क्या करेंगे कि हम सिंपली उसके जो यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स हैं W1, W2, W3 हम उस पे वो अप्लाई करेंगे। दस द फॉलोइंग लिनियरिटी एंड लेबनीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेरियंट डेरिवेटिव फॉलो इजीली फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़। तो ये जो लेबनीज़ और हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिनियरिटी की और लेबनीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कोवेरियंट डेरिवेटिव की ये हम वही डायरेक्शनल डेरिवेटिव को यूज़ करके तो हम ये प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। कैसे जी, लेट v एंड w बी टेंजेंट वेक्टर्स टू आर क्यूब एट p एंड लेट y एंड z बी वेक्टर फील्ड्स ऑन आर क्यूब। देन फॉर नंबर्स a b एंड फंक्शंस f हमारे पास कोवेरियंट डेरिवेटिव y का विद रेस्पेक्ट टू दिस टेंजेंट वेक्टर ए वी प्लस बी डब्ल्यू जो हमारे पास v और w के लीनियर कम्बिनेशन से बनाया गया टेंजेंट वेक्टर उसके लिहाज से इसका जो कोवेरियंट डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होगा कोवेरियंट डेरिवेटिव ऑफ y
विद रेस्पेक्ट टू वी, और साथ ए मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर को वेरियंट ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी सिंपल हमने अगर ये को वेरियंट डेरिवेटिव वाई का विद रेस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड वेक्टर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल वाई का को वेरियंट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद को वेरियंट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू कैलकुलेट कर देंगे, फिर उनको ए और बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका को वेरियंट डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास दो वेक्टर फील्ड्स हैं, एक को ए से मल्टीप्लाई करें दूसरी को बी से, और वो जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर फील्ड बनेगी उसका को वेरियंट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ए भी, अब वो भी इसी तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखिए ये वाला रिजल्ट वी ए इसी में ही वी वी हो गया, यहाँ पे वी और डब्ल्यू था और यहाँ पे सिंपल वी है और वाई और जी दो हमारे पास आ गई हैं वेक्टर फील्ड, तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह वी ऑफ एफ वाई को वेरियंट डेरिवेटिव ऑफ वाई, यानी वाई को किसी रियल वैल्यूड फंक्शन से मल्टीप्लाई कर ले, फिर उसका जो को वेरियंट डेरिवेटिव लेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, वी ऑफ एफ इंटू वाई ऑफ पी, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव उस फंक्शन एफ का और साथ वाई टेंजेंट वेक्टर फील्ड एट द पॉइंट पी, फिर प्लस एफ ऑफ पी यानी उस फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पी पे और साथ उसका को वेरियंट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू v आ जाएगा। इसी तरह v ऑफ y डॉट z किसके इक्वल आ गया, यानी दो वेक्टर फील्ड का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका अगर हमने को वेरियंट डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे, को वेरियंट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू v डॉट z की हमारे पास उस वेक्टर फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट p पे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में पॉइंट p पे z का जो टेंजेंट वेक्टर बन रहा है वो, और ये जो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर आएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और इसी तरह वाई का टेंजेंट वेक्टर फील्ड का पॉइंट पी पे जो टेंजेंट वेक्टर बन रहा है वो, और उसका डेल्टा वी ऑफ जेड जब हम जेड का को वेरियंट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वी, तो ये हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं जी। ये लेबनीज प्रॉपर्टीज, लिनियरिटी और लेबनीज प्रॉपर्टीज, ये अब ये हमारे पास क्या है, लेबनीज और लीनियरिटी प्रॉपर्टीज, इसको क्या कहते हैं, लेबनीज और लीनियरिटी प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल लेट अस प्रूव फोर, सपोज हम फोर प्रूव करें जी कि वाई हमारे पास इस तरह लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जेड इस तरह लिख सकते हैं, तो वाई डॉट जी इसके इक्वल आ जाएगा, अब वी ऑफ वाई डॉट जी किसके इक्वल आ जाएगा, वी ऑफ समेशन वाई आई ऑफ जी आई, तो ये जो आएगा v ऑफ समेशन वाई आई जी आई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन v ऑफ वाई आई जेड आई पी, इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे पहले, यानी इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव और साथ z i एट द पॉइंट p, उसी तरह फिर y i उसी तरह और z i का डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिख देंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा बाय द प्रोसीडिंग लेमा, को वेरियंट डेरिवेटिव ऑफ वाई किसके इक्वल है, वही जो हमने अभी हम पढ़ा है वी ऑफ डब्ल्यू आई यू आई, इस तरह इसका आ जाएगा वी ऑफ वाई आई यू आई पी, और ये आ जाएगा वी ऑफ जेड आई यू आई पी, तो ये जो हमारे पास है इसको हम वैसे इस तरह लिख सकते हैं, वी ऑफ वाई आई जेड आई को इस तरह लिख सकते हैं कि वी ऑफ वाई आई इंटू यू आई एट द पॉइंट पी डॉट जेड आई पी इंटू यू आई पी एट द पॉइंट पी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले तो यही चीज़ आ रही है, तो वो जो हमारे पास आ रहा होगा वी ऑफ वाई आई यू आई एट द पॉइंट पी, उसको ये लिख देंगे और साथ आ जाएगा जेड आई पी यू आई मी, और जेड आई पी यू आई पी वो किसके इक्वल आएगा, वो जेड पी के इक्वल आ जाएगा, तो इस तरह हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। यूजिंग द पॉइंट वाइज प्रिंसिपल, जिस तरह हमने पॉइंट वाइज प्रिंसिपल यूज किया था चैप्टर वन में कि हर पॉइंट लेके, पहले तो हमने कहा था ना कि एक टेंजेंट वेक्टर बनाते हैं पी पॉइंट पे, फिर हमने ये कहा था कि पी पॉइंट पे एक टेंजेंट वेक्टर नहीं बल्कि इनफाइनाइट टेंजेंट वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में बना सकते हैं जो टेंजेंट स्पेस बनाती है पॉइंट पी पे, फिर हमने ये कहा था पॉइंट वाइज प्रिंसिपल से कि हर पॉइंट पे एक टेंजेंट वेक्टर बनाया जा सकता है आरक्यू के, इसी तरह डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये तो हमने एक टेंजेंट वेक्टर के लिए डिफाइन किया टेंजेंट वेक्टर वी एट द पॉइंट पी, तो अगर हम एक
जो पॉइंट पी पे टेंजेंट वेक्टर बन रहा है उसके लिहाज से कोवेरियंट डेरिवेटिव फाइंड कर लें, फिर उसके बाद जो पॉइंट क्यू पे टेंजेंट वेक्टर बन रहा है उसके लिहाज से हम डब्ल्यू का कोवेरियंट डेरिवेटिव फाइंड कर लें, फिर जो पॉइंट आर पे बन रहा है उसके लिहाज से हम कोवेरियंट डेरिवेटिव फाइंड कर लें। तो करते करते हम कोवेरियंट डेरिवेटिव हर टेंजेंट वेक्टर के लिहाज से फाइंड कर लें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कोवेरियंट डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर फील्ड वी। तो इस तरह को डेरिवेटिव जो है वो उस डब्ल्यू का किसी वेक्टर फील्ड के अकॉर्डिंग भी फाइंड किया जा सकता है। द रिजल्ट इज द वेक्टर फील्ड उस वैल्यू एट पॉइंट पी इज, यानी किसी भी पॉइंट पे उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोवेरियंट डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट वैक्टर एट पी, यानी उस वेक्टर फील्ड का जो पॉइंट पी पे टेंजेंट वेक्टर बन रहा है उसके लिहाज से उसका कोवेरियंट डेरिवेटिव, इसी तरह हर पॉइंट पे के लिहाज से उसका कोवेरियंट डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है। दस कोवेरियंट डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट वेक्टर फील्ड वी कंसिस्ट ऑफ ऑल द कोवेरियंट डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू द वेक्टर ऑफ वी। तो हमारे पास जो कोवेरियंट डेरिवेटिव आएगा डब्ल्यू का, वो हमारे पास जितने भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव हैं टेंजेंट वेक्टर फील्ड वी के लिहाज से वो सब का वो कलेक्शन होगी। इट फॉलोज इमीडिएटली फ्रॉम द लेमा दैट इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस देन कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट वेक्टर फील्ड वी इज इक्वल टू वी ऑफ डब्ल्यू। पहले जहाँ पे स्मॉल वी था, अब हमारे पास ये कैपिटल वी आ गया, यानी पूरी टेंजेंट वेक्टर फील्ड के लिहाज से इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के। कोऑर्डिनेट कंप्यूटेशंस आर यूजिंग यूजिंग द बेसिक आइडेंटिटी यू आई एफ इज इक्वल टू पार्शियल एफ पार्शियल एक्स आई, यानी हम ये कोऑर्डिनेट फंक्शन जब हम फाइंड करेंगे ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये हमने पहले पढ़ी हुई है कि किसी फंक्शन यू आई एफ जो उसका डायरेक्शनल डेरीवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वैक्टर यू नेचुरल फ्रेम फील्ड वो किसके इक्वल होगा, सिंपल उसका रेट ऑफ चेंज रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। अब सपोज हमारे पास ये वी है और ये डब्ल्यू है, तो हम कोवेरियंट डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं W का विद रेस्पेक्ट टू V। फिर ये हमें रिजल्ट क्या बता रहा है कि V ऑफ W1, पहले जो W1 है उसका आप कैलकुलेट कर लें, फिर W2 का कैलकुलेट कर लें, फिर W3 का। अब W1 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो V ऑफ एक्स स्क्वायर किस के इक्वल आ जाएगा, V की वैल्यू जहाँ पे लिख देंगे y माइनस एक्स और u1 प्लस एक्स वाई यू थ्री ब्रैकेट में लिख देंगे और फिर साथ स्क्वेयर ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर। जब उसको फिर आगे हम दोबारा लिखेंगे तो ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स यू वन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई यू थ्री ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो u3 ऑफ एक्स स्क्वेयर जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के। क्यों, क्योंकि u3 ऑफ एक्स स्क्वेयर आएगा पार्शियल एक्स स्क्वेयर बाय पार्शियल जेड, तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड जीरो आ जाएगा, तो सिंपल ये टर्म रह जाएगी। तो यू वन ऑफ एक्स स्क्वेयर कैलकुलेट करेंगे टू एक्स, तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। इस तरह वी ऑफ वाई जेड जब अप्लाई करेंगे तो वाई जेड इधर इस ये टोटल स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, साथ हम स्क्वेयर ब्रैकेट में वाई जेड लिख देंगे। जब हम लिनियरिटी की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स यू वन ऑफ वाई जेड प्लस एक्स वाई यू थ्री ऑफ वाई जेड। तो u1 ऑफ जो yz है, yz का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू है वो तो जीरो हो जाएगा, तो u3 ऑफ yz किसके इक्वल आ जाएगा, वो y के इक्वल आ जाएगा। और इसको जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो v ऑफ ये हमारे पास w1 और ये है w3, तो v ऑफ w1 जो हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है साथ आ जाएगा u1, और v ऑफ w3 ये वाला और साथ आ जाएगा u3। तो इस तरह हमने कोवेरियंट डेरिवेटिव w का विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट वेक्टर फील्ड v ये हमने कैलकुलेट कर लिया। फॉर द कोवेरियंट डेरिवेटिव एज एक्सप्रेस्ड एंटायरली इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फील्ड द प्रॉपर्टीज इन द प्रीसीडिंग थ्योरम टेक द फॉलोइंग फॉर्म। वही जो सिंपल हमने प्रॉपर्टीज ये यूज़ की हैं किसी टेंजेंट वेक्टर फील्ड के लिए, ये जो लेबनीज़ और लिनियरिटी की प्रॉपर्टीज यूज़ की हैं, अब हमारे पास ये
चेंज हो जाएंगी वेक्टर फील्ड के लिए क्या, उधर आप देखे तो यहाँ पे लिखा हुआ था ए वी प्लस बी डब्ल्यू, यानी ए किसी स्केलर को वी से मल्टीप्लाई करते थे टेंजेंट वेक्टर और बी किसी स्केलर को डब्ल्यू से। अब यहाँ पे फंक्शंस आ गए हैं कि कोई फंक्शन एफ वो टेंजेंट वेक्टर फील्ड वी से मल्टीप्लाई करेंगे और कोई फैक्टर फंक्शन जी टेंजेंट वेक्टर फील्ड डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करें तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू दिस टेंजेंट वेक्टर फील्ड वो इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ये जो टेंजेंट वेक्टर फील्ड है इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट वेक्टर फील्ड वो इसके इक्वल ऐसे आ जाएगा। इसी तरह एफ वाई अगर टेंजेंट वेक्टर फील्ड है, अब उधर वहाँ यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा था, सॉरी यहाँ पे फंक्शन ही था, यहाँ पे हमारे पास था सिंगल टेंजेंट वेक्टर। अब यहाँ पे वेक्टर फील्ड है तो वेक्टर फील्ड वी ऑफ एफ और एफ को वेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू वी, ये भी इसी तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे जिस तरह ये हमने किया हुआ है कोई भी गिवन वेक्टर फील्ड वी के लिए, वाई के लिए और किसी फंक्शन एफ के लिए। और इस तरह वाई डॉट जी जो है दो वेक्टर फील्ड का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव हम इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे। अब कोवेरिएंट डेरिवेटिव और डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, यानी दूसरे लफ्जों में हम उसी की को जनरलाइजेशन कर रहे थे, उधर हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन ले रहे थे कि जिसका रेट ऑफ चेंज हम फाइंड कर रहे थे विद रेस्पेक्ट टू वी पी, वो क्या बता रहा होता था कि इनिशियल रेट ऑफ चेंज एज पी मूव्स इन वी डायरेक्शन, यानी पी जब वी की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है तो जो इनिशियल रेट ऑफ चेंज है, जो चेंज आती है फंक्शन एफ में, वो हमें बताता है, यानी वो जो हमारे पास चेंज है, वो जो स्लोप है, टेंजेंट वेक्टर है, वो हमें बता रहा होता है। तो वेक्टर ये जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है ये कैसे बताता है, ये हमारे पास जब पी यानी वी के अलोंग मूव करना स्टार्ट करता है, वी के अलोंग मूव करना स्टार्ट करता है तो जो उस वेक्टर फील्ड में चेंज आ रही है, यानी वो जो टेंजेंट वेक्टर फील्ड है किस किस तरह वो चेंज हो रहे हैं, टेंजेंट वेक्टर जो इनिशियल उसमें चेंज है उसके टेंजेंट वेक्टर में, वो हमारे पास ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव बताता है।